नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय बिगेस्ट क्लासेस में। आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी धाकड़ होने वाला है और धाकड़ इन मायनों में होने वाला है कि जिसकी तैयारी पिछले दो सालों से हम कर रहे थे उसका लगभग रिजल्ट तय हो गया है। तय का मतलब पहला स्टेज कंप्लीट हो गया है और अब आगे की फॉर्मेलिटी पूरी करनी बाकी है। और अब तक आप बहुत सारी चैनल पे वीडियो देख चुके होंगे, सर वो उतनी बता रहा है, सर वो उतनी बता रहा है, अब क्या करें। और तस्वीर भी लगभग अब बिल्कुल साफ है, आंसर की ऑफिशियल आ गई है, सब लोगों ने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे कि कितने उनके सही बन पा रहे हैं। जिनके 140, 145, 150 बन रहे थे आंसर की आने से पहले, तो वो भी अब नीचे आ गए होंगे, उनको भी सच्चाई पता चल गई होगी कि वास्तव में असली स्कोर क्या होता है। तो पहले हम दोस्तों पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, फिर हम थोड़ी कट ऑफ पे बात करेंगे और फिर जो स्टेज टू हमारा फिजिकल होने वाला, जो कि सबसे बड़ा पहाड़ इस वैकेंसी के लिए समझा जाता है, उस पे बात करेंगे। तो पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये तीन टॉपिक थे, हिंदी, जीके और रीजनिंग। ये बताने की जरूरत नहीं है कि 80, 60 और 60 नंबर के ये दोनों थे। तो यहाँ पे हमने इसको तीन तरीके से बांटने का प्रयास किया है, समझिएगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपके मन में जो निराशा चल रही है, मेरा कहने का मतलब कम नंबर वाले दोस्त जो हमारे हैं उनके मन में जो निराशा चल रही है कुछ हद तक कम हो सकेगी। तो हमने इसको तीन तरीके से ले लिया दोस्तों, नंबर एक टाइप के, नंबर दो टाइप के बच्चे और नंबर तीन टाइप के बच्चे। देखिए, एक टाइप के बच्चे वो हैं कि जिनके तीनों पोर्शन लगभग ठीक है, वो मतलब तीनों में समान स्कोर कर सकते हैं। वो एक टाइप के बच्चे वो हैं जो दो में तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं लेकिन तीसरा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहा है। तीसरे टाइप का बच्चा ये है कि तीनों में कर तो रहा है लेकिन औसत से थोड़ा सा कम जा रहा है, ठीक है ना। तो इन तीनों तरह के बच्चों पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये पहले टाइप का जो बच्चा है वो लगभग सभी सब्जेक्टों में माहिर है, मतलब अच्छा खासा स्कोर ये कर पा रहा है। यहाँ पे 65, देखिए मैं 65 हिंदी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आंसर की आई है तो हिंदी में कई सारे क्वेश्चनों के क्वेश्चन में डाउट बच्चों को लग रहा है कि सर इसका आंसर ये तो नहीं होना चाहिए। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो मुझे भी ऐसे लग रहे हैं कि सर ये तो ऐसे आंसर इसका नहीं होना चाहिए, मतलब आंसर की के हिसाब से गलत है। तो 65 बहुत आइडियल स्कोर माना जा सकता है। जीके में 30, हालांकि 30 करना एक अपने आप में बड़ी बात थी इस पेपर में, क्योंकि जीके अलग ही लेवल का, भाई नेक्स्ट लेवल जीके था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो महान व्यक्ति वो चला गया। और रीजनिंग 45, ठीक है ना, जो समय हमारे पास दिया था 2.5 घंटे का, तो उसमें दोस्तों 45 बनाना बहुत बड़ी बात तो नहीं है रीजनिंग में, और समय भी मुझे लगता है कि कम नहीं पड़ना चाहिए, 2.5 घंटे का समय था। और दोनों ही पोर्शन ये वाले जो थे ये बहुत कमजोर कमजोर पोर्शन का, मतलब ये थ्योरिटिकल थे, टिक लगाओ और आगे बढ़ो। सॉल्व करने वाला जो था हमारा वो रीजनिंग था। तो यहाँ पर जो बच्चा इतना इतना स्कोर करके आया निगेटिव काटने के बाद, तो वो 140 तक लगभग जा रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोले सर 140 कोई नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है, बच्चे 145 तक टच कर रहे हैं लेकिन ऐसी संख्या कम है, ठीक है ना। अब आप ये मत सोच लेना कि सर इतने बच्चे 140 जा रहे हैं तो इसके हिसाब से कट ऑफ होगी, क्योंकि जब हम कट ऑफ आएंगे तो उस हिसाब से सोचेंगे। अब दूसरे टाइप का बच्चा ये आता है कि हिंदी इसकी बहुत परफेक्ट है, रीजनिंग औसत है, रीजनिंग औसत है और जीके बहुत ज्यादा लुल है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है, तो ये स्कोर कर पा रहा है अपना 120 निगेटिव काटने के बाद। अच्छा, एक बच्चा ऐसा है कि हिंदी में भी थोड़ा कमजोर, जीके में कमजोर, रीजनिंग इसकी ठीक है क्योंकि ये रीजनिंग आगे पढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये बन पा रहा है भैया 125, ठीक है ना। ये तीन तरह के बच्चे दोस्तों आपको भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना, 140, 120 और 125। इनसे नीचे भी बहुत सारे बच्चे आपको मिल रहे होंगे देखने को, ठीक है। अब ये वाले जो बच्चे हैं 140, अगर 140 से भी अगर कोई बच्चा हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो हम उसे इस कंपटीशन की दुनिया का बेताज वासा समझ सकते हैं, ठीक है ना, मतलब वो इस दुनिया का फिर शक्तिमान है। 140 से ऊपर इस पेपर में जा रहा है क्योंकि जीके का लेवल अपने आप में लेवल था, ठीक है, और रीजनिंग में 10 से 15 क्वेश्चन मैथ वाले थे जिन्हें हल कर पाना कोई मुश्किल तो नहीं था, लेकिन जिस पे मैथ नहीं आता वो सोच के ये गया था फॉरेस्ट गार्ड में कि बिना मैथ की जॉब है भैया, बिना मैथ की तैयारी करे ये जॉब मिल सकती है, उसके लिए चैलेंज था रीजनिंग, ठीक है ना, वो 40-45 से ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो अगर इससे कोई ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, हो सकते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं कि सर ये कोई अपवाद होगा, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, 125 तक बच्चे ज़्यादा हैं, है ना, 125 तक कह रहा हूँ मैं, आप समझने का प्रयास करिए मेरा। नीचे तो बहुत सारे बच्चे 120, 121, 18, 15, 20, इस तक बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा, और 125 से ऊपर बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। देखिए क्या हुआ था, पिछली बार जो पेपर आया था वो आसान तो नहीं था, 2018 2 दिसंबर को जो पेपर कंडक्ट किया गया था इस फॉरेस्ट गार्ड वाला,
तब दो शिफ्ट में पेपर हुआ था दोस्तों, दोनों शिफ्ट का पेपर लगभग समान था, बहुत ठीक ठाक पेपर था, उसमें हिंदी भी ठीक थी, जीके थोड़ा आसान कहा जा सकता है क्योंकि यूपी जीके का ज़्यादा पोर्शन डाल देता है तो वो पेपर आसान हो जाता है, और रीजनिंग भी अपने आप में चैलेंजिंग थी। तब भी ये यूट्यूबर शोर काट रहे थे कि भैया 140, 130, 135 चूंकि मैं जब था और यूट्यूब का जमाना तब भी था और आज भी है, लेकिन उतने यूट्यूबर नहीं थे जो इस तरह का रूमर फैला रहे थे, लेकिन आज हर दूसरा आदमी चाहे उसके 500 सब्सक्राइबर हैं चाहे 200 सब्सक्राइबर हैं कट ऑफ ये बताएगा ना, उसको ये पता पेपर पुराना वाला कैसा था, ये वाला कैसा था, कितने बच्चे कंडक्ट हुए, कभी फॉरेस्ट को पढ़ाया नहीं, मॉडल पेपर उठा के नहीं देखा, रियल पेपर कभी उसने टच नहीं किया, लेकिन आया मुँह खोला और कट ऑफ बता के चला गया। बच्चों के दिमाग पर उसका क्या असर पड़ सकता है, बच्चा डिमोटिवेट हो सकता है, इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, चलो बड़े YouTube चैनल वाले उनका हक बनता है भाई, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों को कट ऑफ बताना उनका फर्ज है, बिल्कुल वो बता सकते हैं, लेकिन जिसने कभी फॉरेस्ट को नहीं पढ़ाया, कभी कंपटीशन की कोई क्लास ही उसके चैनल पे नहीं आई और वो कट ऑफ बता रहा है अलग अलग वैकेंसी की, तो दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे तो नहीं लगता है कि सही है। इतनी बात क्लियर हो जाती है कि सर इस तरह का हमारे बच्चों का रहा है, ठीक है ना, और आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा ये फिजिकल वाला आएगा, लेकिन पहले फिजिकल पे तो वही आएगा जो कट ऑफ को पार करके जाएगा, तो कट ऑफ बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, कट ऑफ को यहां पे लिख देते हैं तब आगे की बात करेंगे। चलिए भाई हम आ जाते हैं दोस्तों कट ऑफ के ऊपर। तो ये कट ऑफ दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने अनुभव से निकाली है, मतलब मैंने इसको किसी को देख के ये कट ऑफ नहीं निकाली, मतलब ये मेरा वो अनुभव है जो 2018 में फॉरेस्ट गार्ड के लिए रहा था और इस बार 2022 में फॉरेस्ट गार्ड के लिए रहा था। मैं लगातार बच्चों को पढ़ाया भी था, लगभग 2 साल तक पढ़ाता रहा, इससे पहले मैंने फॉरेस्ट अंतिम चरण तक भी गया था और इस बार के पेपर में भी कंडक्ट हुआ था, लेकिन मैंने हिंदी को ही सॉल्व किया है, जीके और रीजनिंग वाले पोर्शन को नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब पे हूँ, मैं नहीं चाहता था कि किसी बच्चे का कोई सीट खराब हो जाए, क्योंकि मेरा मीटअप बच्चों के साथ बुलंदशहर में था और इत्तेफाक से मेरा पेपर भी वहीं था, इसलिए मुझे पेपर में बैठना पड़ गया था, मतलब मैं बच्चों के लिए गया था मोस्टली, जो बच्चों का अरेंजमेंट हमने किया था। ये सारी बातें वो बच्चे समझ पाएंगे जो मेरे चैनल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए उस बात पर आप ध्यान मत दीजिए, इस वाली बात पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो पेपर मैंने दिया है, मैं अपने अनुभव पे बिल्कुल आधार पे बताना चाह रहा हूँ, पिछली कट ऑफ के आधार पे, पिछले पेपर के पैटर्न के आधार पे और उस पैटर्न के आधार पे। देखिए पेपर हिंदी को अगर हम छोड़ दें, इस वाले पेपर में अगर हम हिंदी को छोड़ दें तो दोस्तों पेपर आसान नहीं था, ना तो जीके आसान थी और ना ही रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन डालने का उतना मतलब नहीं था जितने क्वेश्चन डाले गए थे। डीआई का क्वेश्चन डाला गया था जो कि अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चन था, मतलब जो बच्चा रीजनिंग करता है मैथ अच्छे से करता है उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हम बात उन बच्चों की कर रहे हैं जो लगातार फॉरेस्ट कोई टारगेट करके तैयारी कर रहे थे, ना उनके टारगेट पे एसएससी कभी रहा, ना यूपी पुलिस का कोई और एग्जाम रहा, वो एक तैयारी इसलिए कर रहे थे ना, तो सर इसमें मैथ है और हिंदी का ज़्यादा वेटेज है तो हम आराम से ये क्वालिफाई कर पाएंगे इसको, लेकिन उनके हिसाब से दोस्तों ये पेपर नहीं हो पाया। यहाँ पे यूआर की जो कट ऑफ, ये मैं प्री के लिए बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए ये मैं फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, फाइनल नहीं है, कहीं आप मुझे कमेंट्स में गाली लिख के भाग जाओ, ठीक है ना, समझ लेना फाइनल कट ऑफ भी यहीं से निकल जाएगी आपकी। यूआर 125 से 128 दोस्तों एकदम इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि यह 5 गुना बच्चे बुलाए जाने के चांस है और इस बार संभावना यह है कि 5 गुना ना बुला के 7 से 8 गुना बुला ले, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इसके पास है, वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई थी 5 गुना में, ठीक है ना, तो इस पर भी हम आएंगे। ओबीसी का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ लगभग समान जाता है, यूपी ट्रिपल एससी में एक आधी वैकेंसी ऐसी है कि ओबीसी का कम गया हो और जनरल का ज्यादा गया हो, ज्यादातर वैकेंसी आप उठाएंगे तो ओबीसी जनरल लगभग लगभग बराबर रहता है, जैसे कि पिछली बार बराबर था इस फॉरेस्ट के लिए। EWS के लिए काफ़ी सारे कम बच्चे हैं और उस टाइम जो फॉर्म आया था तो बहुत बच्चों ने यस नहीं किया था, और यस किया भी था तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है जिनके पास ये सर्टिफिकेट है। 10% का आरक्षण, लगभग लगभग 65 वैकेंसी इन लोगों के हाथ में आ रही हैं, है ना, तो 6 5 30 लगभग 300 से 400 बच्चे क्वालिफाई होंगे, इतना स्कोर इनके लिए क्वालिफाई कराने के लिए पर्याप्त होगा। देखिए वैलिड सर्टिफिकेट वही होगा EWS का, जब फॉर्म जब आया था ये अगस्त 2019 में आया था, अगस्त से पहले मतलब नोटिफिकेशन निकलने से पहले का जो सर्टिफिकेट था वो ही वैलिड होगा, कोई बाद में बनवा के ले जाके चिपकाने की कोशिश करे आयोग को तो वो मान्य नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं। अब बहुत सारे दोस्त इसका हवाला दे सकते हैं, सर दिल्ली पुलिस में मान्य हो गया था, रेलवे पुलिस में मान्य हो गया था, भाई उस का और इसका कोई साथ नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी अपने मन से काम करता है, क्योंकि पता है आपको कि वीडियो वाली वैकेंसी में क्या हुआ था, उसने बाद वाला ट्रिपल सी किसी का नहीं लिया था, जब उसने नोटिफिकेशन में ये बोला है कि हमें तो उस दिन का चाहिए जिस दिन नोटिफिकेशन आया तब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो वैलिड करेंगे हम, उससे आगे का वैलिड नहीं करेंगे। तो EWS 100 और 105 बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, ये और नीचे चला जाए, एससी से भी नीचे जाने के इसके चांस हैं। अभी वैकेंसी जो स्टेनो का रिजल्ट आया आप देख सकते हैं कि EWS का कट ऑफ कितना गया है, ठीक है।
एससी की तो दोस्तों 110 और 115 वाले जो बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए बिल्कुल लग जाएं, एसटी वाले जो बच्चे हैं 95 और 100 के बीच में हो सकता है एसटी वालों का और नीचे चला जाए यहाँ पर, ठीक है। फीमेल 115 से 120 क्योंकि फीमेल की कट ऑफ कम नहीं रहती है, और फिर ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स महिलाओं में कितने लोग बैठे हैं, लेकिन कट ऑफ दोस्तों इतने से नीचे महिलाओं की नहीं जाएगी क्योंकि महिलाओं के पद भी कम हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और महिलाएं आजकल मेहनत कर रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को हम शामिल कर लेते हैं तो 90 से 95 जिसके भी बनेंगे, एक्स सर्विसमैन की संख्या काफ़ी कम होती है इन लोगों की, तो इतने पे भाई साहब ये लोग अपना फिजिकल आराम से दे सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, प्री में अगर आपके 125, 128, 100 ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं, 100, 105 अगर इसके बीच में बढ़ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल को धीरे धीरे करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा हो सकता है कि अगले ही महीने फिर फिजिकल की डेट दे दे तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, जैसे कि पिछली बार हुआ था। पिछली बार जैसे मार्च में रिजल्ट आया और एकदम से मई में बुला लिया था कि भैया आ जाओ, अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था उसने, तो 20 से 25 दिन का समय मात्र दिया था। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं दोस्तों तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी निसंकोच कर सकते हैं। अच्छा, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो देखिए फाइनल कट ऑफ पता है कहाँ ज़्यादा जाता है, मान के चलो किसी वैकेंसी के लिए सीटें थी 100 और बच्चे क्वालिफाई कर गए 500, कितने 500, ठीक है ना। अब जैसे इस वैकेंसी का एग्जांपल लें, 655 वैकेंसी के लिए 3275 लड़के बुलाए गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकलने वाली, नंबर एक हाइट, जिस बच्चे की हाइट कम है वो निकलेगा, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे डाउट में, सर मेरी 68 है 68 है, मुझे कंफर्म नहीं है, वो बच्चे निकलने के चांस हैं। चेस्ट जिसका पूरा नहीं हो पाया वो भी निकल जाएगा, रनिंग जिससे नहीं हो पाई जो कि सबसे बड़ा पहाड़ मुझे इस वैकेंसी का लगता है, रोने लगते हैं लड़कियाँ तो काफ़ी सारी रोने लगती हैं चलते चलते, क्योंकि 14 किलोमीटर लड़कियों के लिए बड़ी बात हो, 25 किलोमीटर लड़कों के लिए बड़ी बात हो, 10 किलो पीछे वजन है आपके पास, रेत होती है बैग होता है उसमें रेत ठूंस के दे देते हैं, बोले बेटा चल, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर देता है उस टाइम पे जब पता चलता है सर 10-25 किलोमीटर कैसे हो पाएगा, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बाधा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 3275 बच्चे में से अगर 800 बच्चे क्वालिफाई हो गए, मैं तो ये कह रहा हूं 800 बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, रेस हाइट चेस्ट सब कुछ परफेक्ट, और 800 बच्चे हो गए क्वालिफाई, वैकेंसी कितनी 655, लगभग 150 बच्चे एक्स्ट्रा यहां पर निकल गए। अब मुझे बताओ, उसने प्री कट ऑफ लगाया था 125, ठीक है, अब बच्चे क्वालिफाई हो गए 800, ठीक है, 150 बच्चे ज्यादा, वो 150 बच्चों को बाहर निकालेगा, तो अब मुझे ये बताओ 125 में से कितनी कट ऑफ और बढ़ाएगा वो, ज्यादा से ज्यादा दो नंबर, इसीलिए मैंने उसको 3 नंबर के आसपास ले लिया है, ठीक है, 2 से 3 नंबर आगे बढ़ाएगा और 150 लड़के बाहर हो जाएंगे और उसको 655 क्रीम वाले लड़के बिल्कुल मिल जाएंगे। तो यही दोस्तों आपकी अंतिम और फाइनल कट ऑफ है। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि 125 अगर कट ऑफ जनरल की लगती है और जिस बच्चे के 128-129 नंबर ठीक है तो वो फाइनल में भी सेलेक्ट हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है, कोई अलग से इसकी कट ऑफ नहीं बनेगी। पिछली बार का रिकॉर्ड उठा के देख लो, बच्चे पूरे नहीं हुए तो मेरिट बढ़ाने की बात तो आप भूल ही जाओ, बात क्लियर हो रही है। और बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे नहीं सर इस बार फिजिकल, तो ऐसा हर वैकेंसी में सोचते रहते हैं लोग, जो फिजिकल के लिए फिट है वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाएगा और जो कट ऑफ को पार कर पाएगा वो फिजिकल से समझ लो उसका क्या होने वाला है। तो इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है। इस कट ऑफ के अंतर्गत भाई साहब अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये अंतिम कट ऑफ नहीं, जैसा कि आप जानते हैं ये मेरी बताई हुई कट ऑफ है, तो ये अंतिम तो नहीं हो सकती है, हो सकता है इससे और कम चली जाए या हो सकता है इससे 1-2 नंबर ऊपर चली जाए, जाएगी तो 1-2 नंबर ही ऊपर जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे 140-145-45 नंबर लिखते हैं, तो वो देखिए उनको लेकर के आप ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए, वो कमेंट्स कुछ बच्चे तो ये सोच के करते हैं कि मेरे कमेंट्स में टीचर ध्यान दे, मतलब अटेंशन मिले मुझे, ठीक है ना, तो वो अपनी मर्जी से अपने आप कुछ भी लिख के चला जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जैसा जीके आया था और जैसा रीजनिंग आया था, है ना, हिंदी आसान लग रहा था लेकिन जब आंसर किसे चेक किया तो आदमी 60-65 पेज आके अटक जा रहा है, 5-6 क्वेश्चन तो वो वाले गलत कर दिए जो बिल्कुल हमें लग रहा था सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ये कैसे गलत हो सकता है, वो तक क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो कोई यहाँ ये दावा कर रहा है सर 160-162 तो वो अतिशयोक्ति होगी, है ना, और उस पे ज़्यादा आप ध्यान ना दें। कट ऑफ बनाने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, अलग तरीके से लड़कों को लिया जाता है, और यहाँ पे 655 ही नहीं लिए जाने, 3275 लड़के हैं, ठीक है ना। अगर 160 से भी चलेगा और धीरे धीरे नीचे 3000 तक आएगा तब भी कट ऑफ दोस्तों 125 और 130 पर ही आकर रुक गई है, बात समझ में आ जाती है। आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सारा एनालिसिस करने के बाद दोस्तों कट ऑफ बनाई जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना, इसी वजह से मैंने बहुत जल्दबाजी नहीं की थी कट ऑफ आपको बताने के लिए।
हालांकि माई बिगेस्ट क्लासेस की टीम ने पहले दूसरे दिन ही कट ऑफ को रिलीज कर दिया था, लेकिन जब आंसर की आई तो उसमें थोड़ी असमानताएं दिखी, तो कट ऑफ नीचे आना लाजमी है ना। ये अंतिम नहीं है, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, ये पूरी तरह से गलत और सर्वथा गलत भी हो जाए बहुत अच्छा रहेगा, कट ऑफ 115 या 120 ही चली जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सभी लोगों को चांस मिल जाएगा फिजिकल देने का। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।